स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। पाकिस्तान जीत गया भैया हिंदुस्तान से सुपर चार के मैच में सुपर संडे को। टॉस हारे रोहित शर्मा, ऐसा लगा मैच भी हार गए। अर्श से फर्श तक का सफ़र हमारे अर्शदीप जी का, टिंडा एकेडमी के परमानेंट मेंबर आवेश खान तो बन गए हैं। इनका भी चांस बना था पिछली बार, इस बार पिटे तो नहीं बट फील्डिंग तो वैसी ही की जैसे कि डिंडा एकेडमी के लोग करेंगे। सिंपल कैच ड्रॉप की अली की, जिसने उसके बाद शायद छक्का या दो चौके मारे, ऐसे कुछ 16 रन बनाए, मैच बाढ़ दिया। लास्ट ओवर में 7 रन रोकने थे, कह रहे हैं बहुत अच्छी बॉलिंग की, घंटा की। 3 यॉर्कर्स मारने की कोशिश की जिसमें से एक पड़ी, उस पर लेग बिफोर मिल गया बट 2 फुल टॉस में, एक में चौका और एक में डबल ने मैच ख़त्म कर दिया। क्या उखाड़ के प्रैक्टिस कर रहे हो तुम यॉर्कर्स की, अगर क्रूशल मैच में क्रूशल स्टेज में तुमसे साला 3 में से 2 फुल टॉस पड़ रही हैं। डिंडा एकेडमी के लिए और भी दावेदार आ गए, यजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और हमारे हरदिल अजीज़ हार्दिक पांड्या जी, तीनों ने 40 या उसके ऊपर रन दिए अपने 4 ओवरों में, जम के पिटाई हुई तीनों की। अर्शदीप ने 27 रन दिए 3.5 ओवरों में, पिटा तो नहीं बट जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कुछ हुआ भी नहीं उससे, और अगर कैच ही पकड़ लेता। रोहित शर्मा इतना एक्सप्रेशन देते नहीं है पर उनके चेहरे पे वो खुद गुस्सा नज़र आ रहा था कि निकम्मे निकट्टू, ये भी नहीं पकड़ सकता तो घर बैठ के गुल्ली डंडा खेल। ये आईपीएल के जो गेंदबाज हैं ना, आवेश खान, अर्शदीप सिंह जी, इनका अर्श से फर्श पे आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है, रियल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंडिया पाकिस्तान है द बिगेस्ट एवर राइवलरी, द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट राइवलरी। पर हिंदुस्तान की हार से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, श्रीलंका जिसका डंका बज रहा है पिछले 2 मैचों से, उससे भारत कल भिड़ेगी। और अगर आज जीत जाते, कल जीत जाते पाकिस्तान से, तो वो मैच हारना पड़ सकता था पर अब ऐसा होगा नहीं क्योंकि हिंदुस्तान को लग गया झटका। और व्हेन देयर बैक्स आर एट द वॉल, नोबडी इज़ एज डेंजरस एज द इंडियन क्रिकेट टीम। कल गरजेंगे ये 11 पप्पर शेर और श्रीलंका होगी उनके आगे ढेर। और आज ही मैं आपको प्रिडिक्शन देता हूँ, ये एशिया कप 2022 की ट्रॉफी हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान को ही हराकर, कमिंग संडे 11 तारीख को। लिख लो।